विधानसभा के तड़वा टप्पा गांव में अपने पैतृक गांव में भोजपुरी फिल्म स्टार और आजमगढ़ लोकसभा के भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव उर्फ निरुआ ने अपनी 80 साल की मां के साथ वोट पोल किया। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकारों से कहा कि वे अपने गांव में वोट डालने आए थे और वे बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा कि हम सभी लोगों को मतदान करने चाहिए। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि आजमगढ़ की जनता का जो फैसला करना था वह कर चुकी है और अब हमें 23 तारीख का इंतजार है। वो आपका अधिकार है, मैंने अपना मत दे दिया है और आप भी अपना मत जरूर दीजिए। आप जहां भी हैं घर से निकलिए, बूथ पे आइए और मतदान कीजिए। जी, जैसा कि आपका आजमगढ़ में भी आप वहां के प्रत्याशी रहे हैं भाजपा के, वहां क्या अटकलें लगाए जाएं? वहां पे जो भी है वो जनता ने कर दिया है, जनता को जो तय करना था 23 तारीख को पूरी दुनिया को पता चलेगा कि आजमगढ़ की जनता ने क्या तय किया है। आज जैसे लोकतंत्र का महापर्व आज समापन होते हैं, क्या लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अपने दल की कितनी सीटें प्रदेश में आएंगी? वो 23 तारीख को पता चलेगा। जनता ने अपना जो फैसला है वो सुना दिया है। ये जनता का काम है कि वो क्या तय करेगी, इसलिए ही चुनाव होता है। तो जनता ने अपना अपना मत रख दिया है। अब 23 तारीख को पूरी दुनिया को पता चलेगा कि जनता क्या चाहती है। गठबंधन पे कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं, अब कहने और सुनने का समय खत्म हो चुका है। वो समय परसों तक था और जितना कहना था हमने भी कहा, जितना कहना था उन्होंने भी कहा। अब सिर्फ इंतज़ार करना है हम सभी को कि ये देश क्या चाहता है। जो देश चाहता है वो 23 तारीख को पता चलेगा।